ओम ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चातरेशतारिणे वंचाकल्पतरुदृष्ट कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 19 पढ़ रहे थे। प्रकृत्या न यस्येह कुतश्चित् कर्यचित् प्रभो स एष भगवान् काल सर्वेषां न समागत। तो विदुर धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, दिस फ्राइटफुल सिचुएशन कैनॉट बी रेमेडीड बाय एनी पर्सन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। माय लॉर्ड, इट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज इटर्नल टाइम काल दैट हैज अप्रोच्ड अस ऑल। तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है, काल है, इसका ये भौतिक दुनिया में कुछ उपाय नहीं है, मृत्यु का उपाय नहीं है। इसलिए ये काल कौन है? स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, स एष भगवान काल। तो हमने ये तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, तो लास्ट एक पैराग्राफ बाकी है वो पढ़ेंगे। डेथ कैन नॉट बी चेक्ड बाय एनीवन और फ्रॉम एनी सोर्स विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो मृत्यु कोई रोक नहीं सकता, कोई भी शक्ति नहीं है जो मृत्यु को रोक सकता है। हिरण्यकशिपु वांटेड टू बिकम इमॉर्टल एंड अंडरवेंट अ सीवियर टाइप ऑफ पेनेंस बाय विच द होल यूनिवर्स ट्रेम्बल्ड एंड ब्रह्मा हिमसेल्फ अप्रोच्ड हिम टू डिसवेड हिरण्यकशिपु फ्रॉम सच अ सीवियर टाइप ऑफ पेनेंस। तो हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या करता है, क्यों? क्योंकि उसको अमर होना है, उसको मरना नहीं है। तो ये जो अमरत्व है पहले से चल रहा है, बहुत सारे असुरों को चाहिए था। तो हिरण्यकशिपु ने इतना तपस्या किया पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा हिरण्यकशिपु के तपस्या से। और ब्रह्मा जी आकर उसको बोले, अभी बंद करो। हिरण्यकशिपु आस्क्ड ब्रह्मा टू अवॉर्ड हिम द ब्लेसिंग्स ऑफ इमोर्टैलिटी बट ब्रह्मा सेड दैट ही हिमसेल्फ वाज सब्जेक्ट टू डेथ even in the topmost planet, so how could he award him the benediction of immortality? तो जब ब्रह्मा हिरण्यकशिपु के सामने आए तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि मुझे अमर बनना है, वो वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं भी स्वयं अमर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ तो वहाँ पर भी अमर नहीं है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो इसलिए ब्रह्मा हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको कैसे अमर बनाऊँ? सो देर इज डेथ इवन इन द टॉप मोस्ट प्लैनेट विद इन दिस यूनिवर्स एंड वॉट टू स्पीक ऑफ अदर प्लैनेट्स विच आर फार फार इंफीरियर इन क्वालिटी टू ब्रह्म लोक द रिजाइडिंग प्लैनेट ऑफ ब्रह्मा। तो अगर सबसे ऊंचे लोक ब्रह्म लोक में भी मृत्यु है तो बाकी लोगों का क्या बोलना? तो इसलिए मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। एक कहानी आती है व्यासदेव के दादाजी की, राइट?
तो एक बार व्यासदेव के जो दादाजी हैं वो व्यासदेव के पास आते हैं और बोलते हैं मुझे मरना नहीं है, क्या करूं। तो व्यासदेव बोलते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। तो व्यासदेव यमराज के पास जाते हैं तो बोलते हैं मेरे दादाजी को छोड़ दो। तो यमराज बोलते हैं मेरे पास कंट्रोल नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो व्यासदेव यमराज व्यासदेव के दादाजी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे पास भी कंट्रोल नहीं है, वो शिव जी के पास जाते हैं। ऐसे फाइनली सब लोग मिलके हैं, ब्रह्मा शिव जी यमराज व्यासदेव व्यासदेव के दादाजी सब विष्णु के पास पहुंचते हैं। और विष्णु बोलते हैं अभी समय के अनुसार तुम्हारे दादाजी का मृत्यु जब यमराज ब्रह्मा शिव जी सब साथ में आएंगे तभी तुम्हारे दादाजी का मृत्यु हो जाएगा। और तुरंत उनके सामने दादाजी का मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, नो वन कैन एस्केप डेथ। वेर एवर देर इज इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम देर इज सेट ऑफ ट्रिबुलेशंस नेमली बर्थ डिजीज ओल्ड एज एंड डेथ एंड ऑल ऑफ देम आर इनविंसिबल। तो जहां पे भी समय है तो ये भौतिक दुनिया में ही समय है, भगवान के धाम में समय नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। तो भौतिक दुनिया का समय मतलब किसी का जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, फाइनली मृत्यु आएगा। और ये सब चीज दिखता नहीं है कैसा आ रहा है पर सडनली सबके जीवन में आता है, राइट। जैसे आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके एक 5 मिनट बाद आंख खोलेंगे तो सामने दृश्य चेंज हो जाता है, राइट। आप ऊपर आसमान में देखेंगे आंख बंद करेंगे, 5 मिनट बाद आंख खोलेंगे तो ऊपर का जो बादल का शेप्स है वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही समय धीरे धीरे चलता है, क्योंकि धीरे धीरे चलता है अभी हमको महसूस नहीं हो रहा कि चल रहा है, समझ में नहीं आता, राइट। व्यक्ति बूढ़ा बन रहा है समझ में नहीं आता। आप किसी व्यक्ति को 10 साल बाद देखोगे तब समझ में आता है अरे बहुत फर्क आ गया, पर उसके पास जो रेगुलरली रह रहा है उसको समझ में नहीं आता कि समय बीत रहा है। तो ऐसा ही समय स्लोली चलता है पर निरंतर चलता रहता है। टेक्स्ट 20। ये न चैवा विपन्नोयम् प्राणे प्रियतमेरपि जन सद्यो विजुयेत किम् उदान्ते दनादिभि। ट्रांसलेशन। Whoever is under the influence of supreme काल eternal time must surrender his most dear life and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home। तो विदुर बोल रहे हैं ये जो काल है, काल के प्रभाव में जो भी व्यक्ति रहता है उसको जब उसका समय आता है उसको अपना जीवन ही त्याग करना पड़ता है। तो अगर जीवन ही त्याग करना पड़ता है तो बाकी धन का, पुत्र का, जमीन का क्या बोलना, राइट। तो हम सबको ये जो शरीर है और शरीर के जो अलग अलग उपलब्धियां हैं उनसे बहुत आसक्ति रहती है, राइट। पर जितना भी हमारा आसक्ति रहेगा मृत्यु के समय हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, 100%। परपोट। अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट बिजी इन द प्लान मेकिंग बिजनेस was suddenly called by invincible eternal time while going to attend a very important meeting of the planning commission and he had to surrender his life, wife, children, house, land, wealth, etc. तो प्रभुपाद के समय एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उस समय इंडिया का प्लानिंग कमीशन, जब गवर्नमेंट बैठता है ना 5 साल का प्लानिंग करता है, 5 ईयर प्लान ऐसा बनाते हैं वो लोग गवर्नमेंट। तो ये बड़ा साइंटिस्ट गया था प्लानिंग करने के लिए, पर उसको पता नहीं था वो प्लान कर रहा है अगले 5 साल के लिए, पर काल ने उसके लिए प्लान बनाया और उसको बीच रास्ते में ही उसका मृत्यु हो गया। और उसका प्लान तो चला गया, उसके साथ साथ जिंदगी, पत्नी, बच्चे, घर सब कुछ चला गया, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे हाथ से सब जाने ही वाला है, राइट। तो जैसे विदुर बोलते हैं ये काल कौन है, स्वयं भगवान है। अल्टीमेटली सबको भगवान के शरण जाना ही है। अभी हमारे पास 2 चुनाव है, मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना है क्या, काल लेके जाएगा, अब रख तो कुछ नहीं सकते। उससे बुद्धिमत्ता है कि जब जीवित है तभी भगवान के शरण आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हमारा नहीं है,
ये प्राण भी हमारा नहीं है, देह भी हमारा नहीं है, घर भी हमारा नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। तो ये बुद्धिमत्ता है कि जब हमारा जिंदगी है तभी हम सब कुछ भगवान को अर्पण करें। एक बार एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था जो कुरमुरा जानते हैं, पफ्ड राइस जो बहुत हल्का होता है, क्या चूड़ा में डालते हैं ना, पफ्ड राइस। तो वो खरीद के जा रहा था जंगल के मार्ग से। तो जनरली कुछ भी चीज़ भगवान को अर्पण करके ही खाना है। तो वो उसको इतना भूख लग रहा था, बोला अर्पण वर्पण छोड़ दो मैं खाता हूँ। तो उसने हाथ डाला पोहे को खाने के लिए, तो सडनली एक हवा आ गया और उसके हाथ से सब पोहे को, जो कुरमुरा है उसको उड़ा के लेके गया। तब वो बोलता है गोविंदाय अर्पणम, हाथ से चला गया, अर्पण तो नहीं करने वाला था, हाथ से चला गया, अभी बोल रहा है अर्पणम अस्तु, राइट। तो ये फायदा नहीं है, जब हमारे हाथ से एनीवे जाने वाला है मृत्यु के समय तब अर्पण करके फायदा नहीं है। जब हम जीवित हैं उस समय हमको हमारे तन मन धन से भगवान के शरण जाना है। ड्यूरिंग द पॉलिटिकल अपसर्ज इन इंडिया एंड इट्स डिविजन इन टू पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, सो मेनी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियंस हैड टू सरेंडर लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑनर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। And there are hundreds and thousands of examples like that all over the world, all over the universe, which are all effects of the influence of time. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस समय जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो जब भारत का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो उस समय हजारों लाखों लोग मर गए। लाखों लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, लाखों लोगों का हत्या हो गया। क्यों? समय के प्रभाव से। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये उदाहरण बार बार आता है, जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, गिनती बढ़ता जाता है, राइट। देयरफॉर द कंक्लूजन इज दैट देयर इज नो पावरफुल लिविंग बीइंग विद इन द यूनिवर्स हु कैन ओवरकम द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो निर्णय है, कंक्लूजन है कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा समय के प्रभाव को कोई जीत नहीं सकता। तो समय ही सबसे बड़ा गैम्बलर है, गैम्बलिंग जानते हैं, जुआ। तो जो बहुत एक्सपर्ट है जुए खेलने में उसको पता है फाइनली कैसे जीतना है। तो वैसे ही समय ऐसा दिखाता है कि लोग जीत रहे हैं पर अल्टीमेटली समय ही जीतता है। जैसे हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव का युद्ध होता है, राइट। नरसिंहदेव चाहिए तो तुरंत हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं बट उनके साथ खेलते हैं, और हिरण्यकशिपु को लगने लगता है कि मैं नरसिंहदेव से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, उसको घमंड आने लगता है। जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ मारने से पहले खेलती है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, तो चूहे को लगने लगता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, बट फाइनली एक ब्लो देके उसको मार देती है। तो वैसे ही समय के साथ हमको लगता है कि शायद हम जीत जाएंगे, समय से विजय प्राप्त करेंगे, पर एंड में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, समय बहुत शक्तिशाली है। मेनी पोएट्स हैव रिटन वर्सेस लमेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो इसलिए बहुत सारे कविताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समय के प्रभाव के ऊपर गीत लिखते हैं। टाइम, प्रभुपाद उनके जिंदगी के बारे में बताते हुए बोलते हैं अपने भक्तों को। प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी पहले बार गए थे उनके पिताजी के साथ, छोटे बच्चे थे, राइट। तो समय बहुत शक्ति था शरीर में, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। उसके बाद अगले बार जब आए उनका शादी हो चुका था, नौजवान थे, राइट। तो उस समय उनका अलग मूड था। फाइनली जब प्रभुपाद आए वहाँ पे, प्रभुपाद ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, तो प्रभुपाद अपने भक्तों को देख के बोलते हैं मैं वही व्यक्ति हूँ, वही आत्मा हूँ, पर शरीर चला गया, अभी मैं दौड़ नहीं सकता, अभी भाग नहीं सकता। ऐसे समय के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, और बहुत सारे कवि और फिलोसोफर समय के बारे में लिखते हैं। मेनी डेवेस्टेशंस हैव टेकन प्लेस ओवर द यूनिवर्सेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड नो वन कुड चेक देम बाय एनी मीन्स। तो ये पूरे ब्रह्मांड में, ये दुनिया में बहुत सारे साम्राज्य आके गए हैं, कोई उसको रोक नहीं पाया। जैसे अगर आप हम्पी जाएंगे, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य, उसके महल वगैरह हैं, इतने बड़े साम्राज्य है, पर कहाँ है वो लोग, चला गया वो साम्राज्य। ब्रिटिश का साम्राज्य इतना बड़ा था, कहाँ है, चला गया। मुगल का साम्राज्य इतना बड़ा था, कहाँ है, चला गया।
तो ऐसे ही बहुत सारे साम्राज्य आएंगे और बहुत सारा प्रलय होता रहेगा समय के प्रभाव से. इवन इन आवर डेली लाइफ सो मेनी थिंग्स कम एंड गो इन विच वी हैव नो हैंड बट वी हैव टू सफर एंड टॉलरेट देम विदाउट रेमेडियल मेजर. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब साम्राज्य इतिहास छोड़ो, हमारे रोज के दिन में भी बहुत चीज आता है और बहुत चीज चले जाता है. हमारे बस कंट्रोल में कुछ नहीं है. हमारे कंट्रोल में क्या है? कुछ भी नहीं है. हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ आता है चला जाता है, राइट? तो अलग अलग सिचुएशंस आके जाते हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है. हमको क्या करना है? सिर्फ टॉलरेट. हम क्या कर सकते हैं जब दुख आता है ज़िंदगी में? हम कुछ कर सकते हैं? उसका रेमेडी कुछ नहीं है. टॉलरेट करो. ताम तितिक्षस्य भारत, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइम. इसलिए समय के प्रभाव को कोई जीत नहीं सकता. जब देवता अपना जो पोस्ट है स्वर्ग है दानवों के पास हार जाते हैं बलि महाराज के साथ, तब सब देवता विष्णु के पास आते हैं और बोलते हैं आप मदद कीजिए. तब विष्णु उनको बोलते हैं समय आपके साथ नहीं है, अभी समय असुरों के साथ है. इसलिए आप क्या करो, सही समय के लिए रुको और अभी उनके साथ मिलके काम करो, समुद्र मंथन करो. तो विष्णु जी भी देवताओं को बोल रहे हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है, इसलिए समय को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो समय के साथ कोई जीत नहीं सकता. टेक्स्ट 21, पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतम वयम् आत्मच जरया गृष्टा परागेहम उपाससे. योर फादर, ब्रदर, वेल विशर्स एंड सन्स आर ऑल डेड एंड पास्ड अवे. यू योर सेल्फ हैव एक्सपेंडेड द मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ. योर बॉडी इज नाउ ओवरटेकन बाई इनवैलिडिटी एंड यू आर लिविंग इन द होम ऑफ अनदर. तो विदुर बोल रहे हैं बाकी लोगों का छोड़ो, आपका जिंदगी देखो. अभी धृतराष्ट्र, आपके पिता चले गए, आपके भाई सब मर गए, आपके हितेशी शकुनी जिसके ऊपर धृतराष्ट्र बहुत गिनता था मेरा मदद करेगा, शकुनी चला गया, राइट? तो हमारे बहुत लोग रहते हैं जिन पे हम पे बहुत भरोसा रहता है, ये हमको हमारी मदद करेंगे. तो विदुर बोल रहे हैं तुम्हारे सब सुर चले गए, जो तुमको लगता था तुम्हारे हित करने वाले हैं सब हाथ से चले गए. पिता, भाई, वेल विशर्स, तुम्हारे सब पुत्र मर गए. अभी भी तुमको बुद्धि नहीं आया क्या? अपना मुंह आईने में देखो. इतना से बोल रहे हैं अपना खुद का रूप देखो, तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट जिंदगी चला गया, थोड़े ही दिन बाकी हैं. तुम इतने बूढ़े हो चुके हो फिर भी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं आता, और तुम रुके किसके घर में हो? और किसी के घर में रुके हो? अभी तुम्हारा है ही क्या हस्तिनापुर में, राइट? तो विदुर बोल रहे हैं तुम्हारा स्थिति देखो, काल इतना तुम्हारे हाथ से चला गया है, काल सर्प ने तुमको ऑलमोस्ट निगल लिया है, तुम्हारे पूरे परिवार को निगल लिया है, राज को निगल लिया है, तुम्हारे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जिंदगी को निकल लिया है, फिर भी तुम आसक्त बन के हस्तिनापुर में क्यों बैठे हो? परपोर्ट, द किंग इज रिमाइंडेड ऑफ हिज प्रिकेरियस कंडीशन इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रूअल टाइम एंड बाय हिज पास्ट एक्सपीरियंस ही शुड हैव बीन मोर इंटेलिजेंट टू सी व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन दिस टू हिज ओन लाइफ. तो काल जो है हम सबको बहुत नम्र बना देता है. तो प्रॉपर लिख रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रूअल टाइम, समय बहुत क्रूर है. प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते थे, हम बहुत अच्छे सीनरी को देखते हैं, नहीं हम गार्डन में जाते हैं बहुत सुंदर दिखता है गार्डन, पर गार्डन में भी बहुत क्रूरता है. अब नीचे जाके देखेंगे तो एक पंछी दूसरे कीड़े को खा रहा है, एक कीड़ा दूसरे कीड़ों को खा रहा है, बहुत सारे कीड़े मरते रहते हैं. बाहर दृष्टिकोण से सब अच्छा लगता है, सब स्वीट लगता है, पर ये दुनिया ऐसा नहीं है. दुनिया बहुत क्रूर है और समय किसी को छोड़ता नहीं है. तो इसलिए हमको सीखना चाहिए. विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं तुम्हारा जो पिछले का जिंदगी है उसे सीखो. हमारे जिंदगी में अलग अलग घटनाएं होती है, जब हम उसे सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
आजू बाजू देख के लोगों के ज़िंदगी में जब कष्ट आता है, लोगों के ज़िंदगी में जब मृत्यु आता है, तब हमको सीखना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में भी जब अलग अलग पीड़ाएँ आती हैं, अलग अलग दर्द आता है, हमको सीखना चाहिए कि ये दुनिया में मैं भोग नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, लोग इतने अज्ञान में रहते हैं, इतने बुद्धू रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, स्ट्राइक ही नहीं होता कि हमारा कष्ट का दुनिया है, हम कष्टमय सिचुएशन में है। द किंग इज रिमाइंडेड ऑफ इस प्रिकेरियस कंडीशन। प्रिकेरियस कंडीशन मतलब हमारा असली स्थिति क्या है वो हमको समझना है। जैसे गौरांग प्रभु उदाहरण देते हैं, आप अगर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सामने IPL चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, बहुत रुचि आता है, सामने पॉपकॉर्न है हाथ में और साइड में कोको कोला है और सामने IPL चल रहा है, बहुत मज़ा आता है देखने के लिए, है कि नहीं, AC रूम है। पर इमेजिन करो आपके सामने एक सर्प बैठा है, जहरीला नाग बैठा है और वो भी देख रहा है, TV को नहीं आपको देख रहा है, तो बोलेंगे अभी एंजॉय करो, सामने पॉपकॉर्न है, कोको कोला है, TV है सामने और सर्प है, एंजॉय करो। कैसा एंजॉय करेगा आदमी, वो सर्प को होते हुए कभी भी ढसेगा, इसमें एंजॉयमेंट कहाँ है। तो ये हमारा स्थिति है, हमारा अज्ञान है और हम इतने एडमेंट हैं यहाँ पे भोग करने के लिए। काल सर्प कष्ट सब जगह रुका है, पर हमको क्या लगता है, इसमें भी मैं थोड़ा आनंद ले लूँगा, अब तक तो डसा नहीं ना, तब तक तो मैं मज़ा ले लेता हूँ। जैसे और एक उदाहरण आता है, एक आदमी एक शेर से भागता है, भागते भागते एक चट्टान के नीचे गिर जाता है, पहाड़ के नीचे गिरते गिरते उसने एक डंडे को पकड़ लिया, पेड़ का एक छोटा सा एक डंडा था, टहनी था, उसको पकड़ लेता है और खुश हो जाता है, कैसे तो बच गया मैं। ऊपर देखता है शेर खड़ा है, ऊपर आएगा तो खाएगा, नीचे देखता है तो बहुत बड़ा सांप मुँह खोल के बैठा है, गिरेगा तो सीधा मेरे मुँह के अंदर, राइट। और उस पर वो देखता है, वो जो टहनी है उसको भी दो जो रैट्स हैं, रैट को क्या बोलते हैं, चूहा है, वो खा रहे हैं, काला और सफ़ेद, वो टहनी को काट रहा है धीरे धीरे और टहनी भी टूट रहा है, राइट। और उसके बीच में इतना ही नहीं, स्टोरी ख़त्म नहीं होता, इसके बीच में बहुत सारे मधुमक्खी आके इसको काट रहे हैं, राइट, ढस रहे हैं उसको। पर ये सब के बीच में ये हमारा भौतिक स्थिति है, इतना सारा कष्ट है, एक कष्ट नहीं बहुत सारा कष्ट है। अभी के दुनिया में सिर्फ कोरोना का कष्ट है क्या, नहीं, कोरोना के साथ इकोनॉमी डाउन है, बाकी परिवार चलाना है, बाकी भी कष्ट है, इतना कष्ट का दुनिया है। और उसमें हम किसमें खुश रहते हैं, ये आदमी जब जीव बाहर निकलता है ऊपर से मधुमक्खी के जाल से एक बूंद शहद गिरता है और उसके जीव पे गिरता है और इसको लगता है यही स्वर्ग है, हम इधर ही परमानेंटली रहेंगे, उसको पता नहीं। तो धृतराष्ट्र, इतना सारा कष्ट है उसके ज़िंदगी में, पर वो छोटा सा एक बूंद दो विदुर देते हैं, युधिष्ठिर देते हैं उसको सम्मान, वो चखने के लिए इधर बैठा है, उसको मन में आता ही नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, मेरा स्थिति सही नहीं है। सो ये भौतिक दुनिया है, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ प्रिकेरियस कंडीशन। जब तक हमको हमारा सिचुएशन समझ में नहीं आता तब तक हम भक्ति सीरियसली लेंगे ही नहीं। हाँ, तो इसलिए विदुर आके धृतराष्ट्र को दिखाते हैं, तुम माया में हो, मैं सत्य तुमको दिखाता हूँ, तुम्हारा आंख तो नहीं है भौतिक रूप से, पर आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारा आंख नहीं है, अभी मैं आंख देता हूँ तुमको। ओम अज्ञाति मृंदस्य ज्ञानांजन शलाकय, मैं तुमको ज्ञान का अंजन देता हूँ, अभी तुम देखो। His father Vichitravirya died long ago when he and his younger brothers were all little children, and it was due to the care and kindness of Bhishma Dev that they were properly brought up. तो यहाँ पे वर्णन आता है, विदुर बोल रहे हैं तुम्हारे पिता मर गए, पिता कब मर गए हैं, धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र ने उनके पिता को देखा ही नहीं, विचित्रवीर्य उनके जन्म के पहले ही मर गए, राइट, और उनका जन्म व्यासदेव के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारे पिता पहले ही मर गए और भीष्मदेव ने दया करके तुम लोगों को पालन पोषण किया। देन अगेन इज ब्रदर पांडु डाइड ऑल्सो, तो उनके एक ही भाई थे पांडु, वो भी चले गए। देन इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र हिज 100 सन्स एंड ग्रैंड सन्स ऑल डाइड अलॉन्ग विद अदर वेल विशर्स
लाइक भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण एंड मेनी अदर किंग्स एंड फ्रेंड्स। तो पिता विचित्रवीर चले गए, उनके भाई पांडु चले गए, कुरुक्षेत्र रणभूमि में उनके 100 पुत्र चले गए और उनके सब पोते चले गए। सो ये 100 पुत्र के शादी हुआ था और हर एक पुत्र के बच्चे थे। तो धृतराष्ट्र के पुत्र भी चले गए, पोते भी चले गए, भाई भी चला गया, पिता भी चला गया और उनके जो वेलविशर्स हैं, सुरत हितैषी हैं, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, सब लोग मर गए। पर इसको लगता है मुझे मृत्यु नहीं आएगा, इससे ज्यादा मूर्खता क्या है। सो ही हैड लॉस्ट ऑल मेन एंड मनी, नाउ ही वॉज लिविंग एट द मर्सी ऑफ हिज नेव्यू हुम ही पुट इनटू ट्रबल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। तो उसके सब मनुष्य जितने भी उसके स्वजन थे सब मर गए, धन सब चला गया। अभी युधिष्ठिर जो उनके नेव्यू हैं, उनके भाई के पुत्र हैं, जिसको धृतराष्ट्र ने इतना कष्ट दिया है, उनके कृपा पे, उनके दया पे धृतराष्ट्र जी रहा है। एंड डिस्पाइट ऑल दिस रिवर्सेस ही थॉट दैट ही वुड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ मोर एंड मोर। तो इतना सब कष्ट हो गया, इतने सारे लोग मर गए, फिर भी आशा नहीं चुकता। धृतराष्ट्र को लगता है चलेगा, मैं तो स्पेशल हूँ, बाकी सब लोग मर गए होंगे पर मेरा नंबर नहीं लगेगा, राइट? मेरा नंबर बहुत दूर है, मैं तो डबल ट्रिपल क्वार्टरपल सेंचुरी मार के ही रहूँगा, राइट? और इसको लगता है मैं मेरा आयु बढ़ाता रहूँगा। विदुरा वॉन्टेड टू पॉइंट आउट टू धृतराष्ट्र दैट एवरी वन हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाई हिज एक्शन एंड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं हर एक को अपना रक्षा करना है अपने कार्यों से और भगवान की कृपा से, राइट? स्वयं के प्रयास से रक्षा नहीं होता, भगवान की कृपा से होती है, इसलिए हर एक को प्रयास करना चाहिए, राइट? हमको अगर भूख मिटाना है, कोई और खा सकता है क्या हमारे लिए? कोई और खा नहीं सकता, तो भाई हमको स्वयं खाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमको आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना है, आगे मृत्यु से विजयी प्राप्त करना है, तो बाकी कोई कर नहीं सकता हमारे लिए भक्ति, हमारा भक्ति, हमारा जहाज हमको ही चलाना है। वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी फेथफुली डिपेंडिंग ऑन फॉर द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी। इसलिए हमको कार्य बहुत अच्छे से करना चाहिए, भक्ति का कार्य भगवान की कृपा पे निर्भर करते हुए। नो फ्रेंड, नो चिल्ड्रन, नो फादर, नो ब्रदर एंड नो स्टेट एंड नो वन एल्स कैन प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। प्रॉपर लिख रहे हैं, कोई भी दोस्त, कोई भी बच्चा, कोई भी पिता, कोई भी भाई, कोई भी राष्ट्र या कोई भी डॉक्टर जिसको भगवान ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, कृपा नहीं दिया, उसको कोई बचा नहीं सकता। मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के। अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया कि इसका मृत्यु होना है, कोई उसको बचा नहीं सकता, नो वन कैन सेव हिम, राइट? तो जैसे प्रहलाद महाराज भागवतम में बोलते हैं, अगर किसी के पास फर्स्ट क्लास जहाज है, टॉप क्वालिटी शिप है, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता, वो कैप्टन गारंटी नहीं दे सकता कि ये शिप डूबेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। टाइटैनिक जब बना था, लोगों को लग रहा था ये शिप कभी डूबेगा नहीं। दिस इज द शिप दैट गॉड कांट सिंक। टाइटैनिक ऐसा शिप है, इतना मटीरियल, सॉलिड मटीरियल से बना था, उन्होंने एडवर्टाइज किया था ये जहाज को भगवान भी डुबा नहीं सकते। तो भगवान छोड़े, एक छोटा सा आइसबर्ग ने इसको डुबा दिया, टाइटैनिक को। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कोई पिता भी रहेगा बच्चे के साथ, गारंटी नहीं कि पिता बच्चे को बचा पाएगा, पॉसिबल नहीं है। और कोई फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में भी रहेगा, नानावटी हॉस्पिटल, अभी सब बॉलीवुड स्टार उधर ही जा रहे हैं, राइट? कोरोना के बाद सो नानावटी कौन सा भी हॉस्पिटल, अंबानी हॉस्पिटल, कौन सा भी हॉस्पिटल में रहेगा, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर रहेगा, पैसा जितना भी खर्च करो, गारंटी नहीं है मृत्यु से बच पाएगा। तो इसलिए हमको विश्वास भगवान पे होना चाहिए। ये दुनिया के लोग, हमारा जो धन है, संपदा है, वो सब हमको बचा नहीं सकता। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, द्रौपदी के पास 5 शक्तिशाली पति थे, पर कोई द्रौपदी को बचा नहीं पाया, राइट? तो अल्टीमेटली एक ही व्यक्ति हमको बचा सकता है, वो कृष्ण, मुकुंद।
One should therefore seek protection of the Supreme Lord, for the human form of life is meant for seeking that protection. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये बाकी के जो लोग हैं ये दुनिया के, या हमारे शक्ति के, या हमारा धन का आश्रय नहीं लेना चाहिए. ये सब चीज़ इनफैलिबल सोल्जर्स है, हमको धोखा देगा. एक ही व्यक्ति हमको हमारी रक्षा कर सकता है, वो भगवान है. इसलिए मनुष्य जन्म में ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हमको भगवान की रक्षा पे निर्भर करना चाहिए. ही वॉज वॉर्न्ड ऑफ हिज प्रिकेरियस कंडीशंस मोर एंड मोर बाय द फॉलोइंग वर्ड्स. तो विदुर का संदेश इधर समाप्त नहीं होता. विदुर ने तैयारी करके आया है, इस बार धृतराष्ट्र का सर्जरी करके ही रहूँगा, राइट, इस बार ऑपरेशन सक्सेसफुल बनाना ही है. तो विदुर इतना बोल के ऑलरेडी भारी पड़ रहा है, पर विदुर यहाँ पे खत्म नहीं करते, बोलते इस बार आर या पार, राइट, इस बार धृतराष्ट्र का उद्धार करके ही रहूँगा. तो आगे भी श्लोक बताते हैं, तम टेक्स्ट 22 से आज शाम को देखेंगे. हरे कृष्ण.